सो हेलो बगलेबाज, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे। तो आज मैं काफ़ी सारे बाइक लाया हूँ जो आपने डेली लाइफ में या अपने कॉलेज लाइफ के लिए यूज़ कर सकते हैं, या तो कोई अगर ऑफिस में जा रहा है या अपने पापा को गिफ्ट देना चाहते हैं या तो अपने भाई को भी गिफ्ट देना चाहते हैं, तो इन बाइकों में कोई सा भी बाइक आप दे सकते हैं। इंडिया के टॉप 10 के लिस्ट में ये बाइक आता है। तो आज मैं इन बाइकों के बारे में बताऊंगा, ज़्यादा डिटेल्स तो नहीं दे पाऊंगा। बाइक का मैं जितना भी प्राइस बताऊंगा, मैं इंक्लूड RTO वगैरह का प्राइस नहीं बताऊंगा, मैं नॉर्मल प्राइस बताऊंगा। आप लोग चाहते हैं तो पूरा डिटेल्स तो गूगल करके देख लेना। बेसिकली हम लोग डेली लाइफ में ज्यादा सीसी वाले बाइक यूज नहीं कर पाते क्योंकि ऑब्वियसली माइलेज के लिए प्रॉब्लम होता है। लिस्ट के नंबर 10 पे आता है हीरो पैशन प्रो। हीरो पैशन प्रो आप लोग डेली लाइफ के लिए भी यूज करते हैं या तो अपने पापा को भी दे सकते हो जो ऑफिस में जाते हैं, तो ऑब्वियसली माइलेज का फैक्टर है, माइलेज बहुत ज्यादा देगा। आपको ऑनरोड प्राइस देना पड़ेगा 76,000। RTO वगैरह इंक्लूड नहीं है इसमें, मैं RTO वगैरह का रेट नहीं बताऊंगा, आप लोग देख लेना गूगल करके। और इसमें आप लोगों को BHP मिलेगा 9.2 BHP और आप लोगों को टॉर्क मिलेगा 9.89 BHP। आप लोगों को माइलेज मिल जाएगा 60 to 65 KMPL। और इस बाइक में आप लोगों को डेली लाइफ में बहुत हेल्पफुल होगा इस बाइक को अगर आप लोग लेते हैं तो। नंबर 9 पे होता है हीरो HF डिलक्स। तो HF डिलक्स एक ऐसी बाइक है जो इंडिया में काफ़ी सारा सेल हुआ, तो अभी भी ये बाइक बहुत सेल होता है। और इस बाइक में आप लोगों को ऑन रोड प्राइस देना पड़ेगा 67,000। आप लोगों को माइलेज इस बाइक में मिल जाएगा 60 to 70 KMPL, तो जो काफ़ी ज़्यादा है और आप लोग डेली लाइफ के लिए यूज़ कर सकते हैं। और नंबर 8 पे जो बाइक है आप लोग कॉलेज लाइफ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं या तो लॉन्ग टूर के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, अपने भाई को भी दे सकते हैं ये बाइक। तो इस बाइक का नाम है TVS अपाची RTR 160। तो अपाची RTR 160 एक ऐसी बाइक है जो मैंने भी यूज़ किया था, माइलेज भी दे देता है और प्राइस में भी ज़्यादा देना नहीं पड़ता, एक मिडिल क्लास फैमिली अफोर्ड कर सकते हैं। तो इसका ऑन रोड प्राइस पड़ता है 1,25,000 और आप लोगों को BHP मिल जाता है 16 BHP और आप लोगों को टॉर्क मिल जाएगा 13 Nm। आप लोगों को माइलेज में देखने को मिल जाएगा 45 to 50 KMPL, जो काफ़ी एफिशिएंट है भाई। और बाइक देखने में भी काफ़ी एग्रेसिव लुक में आता है और आप लोग कॉलेज लाइफ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। नंबर 7 पे आता है होंडा SP125, जो काफ़ी प्यारी बाइक है और इस बाइक में आप लोगों को ऑन रोड प्राइस देना पड़ेगा और आप लोगों को माइलेज मिल जाएगा इस बाइक में 65 to 70 KMPL, ऑफिस लाइफ के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं। नंबर 6 में आते हैं होंडा CB Shine, जो काफ़ी अच्छी बाइक है और इंडिया में काफ़ी सेल होता है और इस बाइक को ज़्यादा डेली लाइफ या तो आप ऑफिस लाइफ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, अपने पापा को भी दे सकते हैं ये बाइक। और ये बाइक में आप लोगों को ऑन रोड प्राइस देना पड़ेगा 70,000। आप लोगों को BHP मिल जाएगा 10 BHP और आप लोगों को टॉर्क मिल जाएगा 11 Nm और आप लोगों को माइलेज मिल जाएगा 55 to 65 KMPL। नंबर 5 पे आते हैं बजाज पल्सर 150। यंग जनरेशन भी इस बाइक को ले सकते हैं और काफ़ी सेल भी होता है इंडियन मार्केट में और इसका ऑन रोड प्राइस देना पड़ेगा 1,37,000, जो काफ़ी अच्छी बाइक है और आप लोग यूज़ कर सकते हैं डेली लाइफ के लिए, ऑफिस लाइफ के लिए। और आप लोगों को इस बाइक में BHP मिल जाएगा 13 BHP, आप लोगों को टॉर्क मिलेगा 13.25 Nm और आप लोगों को इस बाइक में माइलेज मिल जाएगा 45 to 50 KMPL। नंबर 4 पे आते हैं तो आप लोग डेली यूज़ और लॉन्ग राइड हो या चाहे यंग जनरेशन हो या चाहे कॉलेज लाइफ के लिए, सब कुछ के लिए ये बाइक यूज़ कर सकते हो। और इंडिया में तो सबसे ज़्यादा इस बाइक के अभी सेल हो रहा है और ये बाइक काफ़ी टाइम से डोमिनेट कर रहा है सब मार्केट को। तो इसका नाम है YAMAHA MT15। YAMAHA MT15 एक ऐसी बाइक है जो यंग जनरेशन ज़्यादातर लेते हैं और माइलेज में भी काफ़ी अच्छा बाइक है और आप लोग डेली लाइफ के लिए भी यूज सकते हैं। ऑब्वियसली नेकेड बॉडी है तो कंफर्टेबल तो मिलेगा इस बाइक में। आप लोगों को ऑन रोड प्राइस देना पड़ेगा 1,68,000। आप लोगों को RTO वगैरह मिला के कितना होता है तो आप लोग देख लेना वो गूगल में। और आप लोगों को इस बाइक में BHP मिल जाएगा 18 BHP, आप लोगों को टॉर्क मिल जाएगा 14 Nm, जो काफ़ी पावरफुल बाइक है 150 cc के अराउंड। आप लोगों को KMPL मिल जाए 40 to 45 KMPL, जो काफ़ी अच्छा है, माइलेज में भी काफ़ी अच्छा है और लुक में भी तो ऑब्वियसली काफ़ी अच्छा है। लाइफ लॉन्ग टूर के लिए भी इस बाइक को यूज़ कर सकते हैं और कॉलेज लाइफ के लिए भी। नंबर 3 पे आता है Duke 125, जो दिखने में तो ऑब्वियसली काफ़ी सुंदर बाइक है और 125 cc के अराउंड काफ़ी माइलेज भी दे देता है ये बाइक। और ये बाइक ज़्यादा पावरफुल नहीं है, आप लोग डेली लाइफ के लिए यूज़ कर सकते हैं, मतलब जो बिगिनर्स हैं आप लोग इस बाइक को लेके मतलब यूज़ कर सकते हैं, ज़्यादा पावरफुल नहीं है और बाइक का लुक तो ऑब्वियसली काफ़ी सुंदर है। और इस बाइक को ऑन रोड प्राइस आप लोगों को देना पड़ेगा 1,76,000। आप लोगों को RTO वगैरह मैं नहीं बता रहा हूँ। आप लोगों को BHP मिलेगा इस बाइक में 14, आप लोगों को टॉर्क मिल जाएगा 12
NM जो काफ़ी अच्छा है 125 cc के अराउंड। इस बाइक में माइलेज मिल जाएगा 50 to 55 kmpl जो काफ़ी अच्छा है और 125 cc के अराउंड आप लोग इजीली यूज़ कर सकते हैं इस बाइक को, ज़्यादा वेट नहीं है इस बाइक का। और नंबर टू पे आते हैं जो काफ़ी मार्केट में डोमिनेट करके रखा है 150 cc के अराउंड, तो इस बाइक का नाम है R15 B4। तो R15 B4 लुक में तो ऑब्वियसली काफ़ी सुंदर है। इस बाइक के लिए आप लोगों को ऑन रोड प्राइस देना पड़ेगा 1,80,000 और आप लोगों को BHP मिल जाएगा 18 BHP, आप लोगों को टॉर्क मिल जाएगा 14 Nm जो काफ़ी अच्छा है, आप लोगों को माइलेज मिल जाएगा 50 to 60 kmpl। नंबर वन पे आते हैं KTM Duke 200 जो काफ़ी सुंदर बाइक है और 125 का जो मैंने बात किया था वही लुक में ये बाइक आएगा। और इस बाइक में आप लोगों को 200 cc मिलता है, इस बाइक में आप लोगों को ऑन रोड प्राइस देना पड़ेगा इस बाइक का 1,90,000। आप लोग इस बाइक में आप लोगों को BHP मिलेगा 24, आप लोगों को टॉर्क मिल जाएगा 19 जो काफ़ी अच्छा है और आप लोगों को kmpl ज़्यादा नहीं मिलेगा 30 to 35 kmpl। ज़्यादा माइलेज तो नहीं मिलेगा इस बाइक में, लेकिन लुक के बारे में अगर बोलूँ तो यंगस्टर जो कॉलेज लाइफ में न्यू है तो कॉलेज लाइफ के लिए ले सकते हैं या तो ऑफिस लाइफ के लिए ले सकते हैं, मतलब लॉन्ग टूर के लिए भी इस बाइक को यूज़ कर सकते हैं। और इस बाइक में ज़्यादा माइलेज नहीं मिलेगा पर पावर आप लोगों को एफिशिएंट पावर मिलेगा, बहुत पावर मिलेगा इस बाइक में। इस बाइक में आप लोगों को मतलब लॉन्ग टूर के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो यही कुछ भी बाइक्स है जो आपके लिए डेली लाइफ के लिए हो, चाहे आप लोग कॉलेज लाइफ के लिए हो, या तो अपने पापा को या तो अपने भाई को गिफ्ट दे सकते हैं। तो आप लोगों को जो भी बाइक अच्छा लगता है तो कमेंट में बताना। तो ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए मुझे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।